ओके, सो हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कीपल। ओके, सो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर टू। इस सीरीज का चैप्टर नंबर टू आज से शुरू होने जा रहा है। 36 ईयर ओल्ड PYQ, सभी PYQ हम सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं सब क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। देखिए तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है। प्रीति रीचेज द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वॉज नॉट वर्किंग। ठीक है, शी वॉक अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम T1। ऑन द अदर डे इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम T2। द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। जो सबसे पहले देखो, प्रीति ने क्या किया, मान लो एक एस्केलेटर है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब जब डे वन में एस्केलेटर क्या था, बंद था, स्टेशनरी था, तब प्रीति ने क्या किया, सीधे इस पर चल के कुछ डिस्टेंस कवर किया, यानी उसे चढ़ के जाना था। तो बंद बंद था तो कुछ तो कर नहीं सकती थी वो, तो सीधा उसने क्या किया, उस पर वॉक किया। तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये सेम ही है। और उसे कुछ टाइम T1 लगा, ठीक है। अब सेम केस में डे 2 में दूसरे दिन क्या हुआ कि एक्सीलेटर चल रहा था, ठीक है, एक्सीलेटर क्या होता, चल रहा था, तो उसने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया पर उसे टाइम लगा T2। अब हमें निकालना है जब जब एस्केलेटर भी चल रहा होगा और प्रीति भी उस पर वॉक कर रही होगी, तब टोटल टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो डे 1 में प्रीति की कुछ वेलोसिटी रहेगी V1। डे 2 में प्रीति तो स्टेशनरी थी पर एस्केलेटर चल रहा था, उसकी वेलोसिटी रहेगी V2। यहाँ पे दोनों की मिलके फाइनल वेलोसिटी रहेगी V। सो दो फाइनल वेलोसिटी हम ऐड कर सकते हैं V1 जो कि प्रीति की वेलोसिटी है, प्लस V2 जो कि एस्केलेटर की वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी T1, क्योंकि V1 की बात हो रही है, और डिस्टेंस अपॉन T2। डिस्टेंस सेम ही रहेगा, देखो वो चल के जाए या एस्केलेटर पे जाए, डिस्टेंस तो उसको उतना ही कवर करना है। अब मैं डिस्टेंस को कॉमन लेता हूँ और जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी रहेगा डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते, सो डिस्टेंस हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे और इसे सॉल्व करने के बाद यह आ जाएगा T2 प्लस T1। LCM लेने के बाद T1 इंटू T2, देखो डिस्टेंस कॉमन है तो डिस्टेंस डिस्टेंस कट जाएगा,
इस टी को मैं इन्वर्स करता हूँ यानी ऊपर ले जाता हूँ, तो आंसर आ जाएगा T1 into T1, T1 into T2, T1 plus T2। तो टोटल टाइम हमें लगेगा डे थ्री में, जब स्केलेटर भी चल रहा होगा और पृथ्वी भी उस पर चल रही होगी, तो आ जाएगा T1 into T2 upon T1 plus T2। सो द बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड वी वन। ठीक है, मान लो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है पार्टिकल, एस एस डिस्टेंस हम मान लेते, टोटल जो होगा एस डिस्टेंस होगा। अ पार्टिकल कवर्स हाफ यानी एस बाय टू, ठीक है, विथ स्पीड वी वन एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड वी टू, यानी रेस्ट हाफ यानी ये भी एस टू ही होगा और उसने ये कवर किया वी टू के साथ। द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। तो देखो, सबसे पहले इसका भी फार्मूला, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हो तो आपको फार्मूला पता है कि टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, पर हम थोड़ा इसे डिराइव भी करेंगे ताकि अच्छे से ऐसे क्लियरिटी आ जाए। तो देखो, वी एवरेज क्या होता है, वी एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना, तो टोटल डिस्टेंस है एस और टाइम हमें लगा है पहले हाफ डिस्टेंस को टी वन कंप्लीट करने के लिए, दूसरे हाफ डिस्टेंस को टी टू। ठीक है ना, टी वन और दूसरा हाफ डिस्टेंस टी टू। यहां से अब टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी प्लस डिस्टेंस अपॉन जो सेकंड टाइम में चला उसकी वेलोसिटी यानी वी टू। सो देयर फोर वी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस तो रहेगा। अब यहाँ पे जो ये डी वन डी टू की बात हो रही है वो हाफ डिस्टेंस है यानी एस बाय टू, तो हम इसे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एस बाय टू वी वन प्लस एस बाय टू वी टू। यहां से एस कॉमन लेंगे एस बाय टू, ऐसे हम कॉमन लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे वी टू प्लस वी वन अपॉन वी वन वी टू। एस से एस कट जाएगा, ये टू वी वन वी टू ऊपर जाएगा, नीचे रहेगा वी वन प्लस वी टू। तो ये रहा हमारा वी एवरेज का फॉर्मूला, इसे आप याद भी रखो तो इजी हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। सो द बी इज द करेक्ट आंसर, टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री। अ कार मूविंग विथ मूविंग फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, कार ने मूव किया एक्स से वाई तक, ठीक, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी यू एंड रिटर्न्स टू वाई विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी डी, द एवरेज स्पीड ऑफ दिस फॉर्मूला। देखो, अभी अभी हमने एक फार्मूला डेरा किया, वही है सिम डिक्टो। सो द आंसर इज डी। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर।
अ कार रन्स एट कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, हम सर्कुलर ट्रैक को ड्रॉ कर लेते हैं। मान ले कि सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, इस सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, एक पार्टिकल, नॉट अ पार्टिकल, एक कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। मान लो एक कार है, इस सर्कुलर ट्रैक पर वो मूव कर रही है, उसकी रेडियस है, रेडियस उसकी रेडियस उसके रेडियस है 100 मीटर, ठीक है। एंड टेकिंग 62.8 सेकंड फॉर एवरी सर्कुलर, यानी एक कंप्लीट सर्कुलर को सर्कल पे चलने के लिए, कंप्लीट रोटेशन में वो टाइम ले रही है 62.8 सेकंड। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले देखो कि वेलोसिटी क्या होता है, किसी पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं और घूम फिर के उसी पॉइंट पे अगर हम आएंगे तो वेलोसिटी जीरो होगा, इतना तो आपको पढ़ा है, ठीक है, इतना आपने पढ़े, यानी वेलोसिटी देते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है, रफली। तो घूम फिर के वो उसी पोजीशन पे आ रहा है, उसी पोजीशन पे आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी होगी जीरो। तो देखो वेलोसिटी यहाँ पे ए और बी दोनों में जीरो है, तो सी और डी तो कैंसिल हो जाएंगे, ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। बचा फिर एवरेज स्पीड, अब वी यानी स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर, ठीक है, और टोटल टाइम हमें गिवन है 62.8 सेकंड, 2 × 3.40 पाई की वैल्यू, रेडियस हमें गिवन है 100 मीटर अपॉन 62.8 सेकंड। हम पॉइंट्स को सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले, कि मैंने ऐसे पॉइंट हटा दिया तो नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसका भी पॉइंट हटा दूंगा तो इसको भी नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 100 100 कैंसिल हो जाएगा, इसका इसे 2 के साथ डिवाइड होगा, और फिर देखो क्या बच रहा है, 2 × ये 10 ऊपर जाएगा 10, और नीचे सिर्फ 2, ठीक है, तो 2 2 से कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, जो हो गया एवरेज स्पीड। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पार्टिकल क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है 0 to X एट अ टाइम टी, द डिस्टेंस स्मॉल एक्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 0 इज गिवन बाय, तो 0 से लेकर कुछ डिस्टेंस यानी यहां तक एक्स डिस्टेंस का इक्वेशन हमें दिया है, -t³।
हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। हमें ये पता चलना है कि पार्टिकल जब उसकी उसकी वेलोसिटी वेलोसिटी जीरो जीरो होगी होगी, बिफोर बिफोर कमिंग कमिंग टू टू रेस्ट रेस्ट यानी एंड रेस्ट रेस्ट पे पे वेलोसिटी वेलोसिटी जीरो जीरो होगी, होगी। जीरो जीरो होने होने के के बाद बाद वो वो कितना कितना डिस्टेंस डिस्टेंस चला चला है। है। अब अब वेलोसिटी वेलोसिटी हमें हमें एक्स एक्स की की वैल्यू वैल्यू दी दी है, है, तो तो हमें हमें हम अगर हम इसको इसको डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करेंगे, करेंगे, ठीक ठीक है, है, डेल डेल एक्स एक्स बाय बाय डी डी टी, टी, तो तो हमें हमें क्या क्या मिलेगा? मिलेगा? वेलोसिटी वेलोसिटी मिलेगा। मिलेगा। तो तो हो हो जाएगा जाएगा डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करने करने के के बाद बाद 12 12 माइनस माइनस 3 3 टी टी स्क्वायर। स्क्वायर। अब अब वेलोसिटी वेलोसिटी हमें हमें जीरो जीरो दिया दिया है है क्योंकि क्योंकि रेस्ट रेस्ट पे पे लाना लाना है है ना ना पार्टिकल पार्टिकल को, को, तो तो हम हम इसे इसे जीरो जीरो रखेंगे, रखेंगे, इसे इसे सॉल्व सॉल्व करेंगे करेंगे तो तो यह यह आ आ जाएगा जाएगा माइनस माइनस 3 3 टी टी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 12 12 माइनस माइनस से से माइनस माइनस कट कट जाएगा। जाएगा। 3 3 वन वन जा जा 3, थ्री 3 3 फोर फोर जा जा 12। 12 रूट रूट को को कैंसिल कैंसिल करने करने के के बाद बाद 2 2 आए, आए, 2 2 की की वैल्यू वैल्यू आ आ जाएगी, जाएगी टी 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकंड, सेकंड, ठीक है। ठीक तो है। तो 2 2 सेकंड सेकंड इस इस इक्वेशन इक्वेशन पर, पर, इस इस इक्वेशन इक्वेशन पर पर जाने जाने के के बाद बाद 2 2 सेकंड सेकंड पर पर वेलोसिटी वेलोसिटी 0 0 हो हो जाएगी, जाएगी, ठीक ठीक है। है। तो तो हम हम क्या क्या करेंगे, करेंगे, इस इस वन वन इक्वेशन इक्वेशन में में टी टी की की वैल्यू वैल्यू पुट पुट करेंगे, करेंगे, सो सो द द एक्स एक्स इज इज 14 14 प्लस प्लस 12 12 इंटू इंटू 2 2 माइनस माइनस 2 2 क्यूब, क्यूब। तो ये आ जाएगा 24 64 माइनस 2 क्यूब यानी 8, तो ये जाएगा 56 मिलेगा। अब ये जो 56 मीटर है, ये हमें वैल्यू मिली है 0 से लेके एक्स तक का डिस्टेंस, ठीक है। पर अगर हम यानी टी इक्वल टू पुट करने के बाद, ठीक है, 14 टी इक्वल टू 2, अब हम क्या करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू 0। हमें ये भी पता होना चाहिए कि जीरो जब टाइम जीरो था तब पार्टिकल कहाँ था, अब तब अगर वो रेस पे होगा तो ये 56 आंसर सही है, पर टी इज इक्वल टू 0 पे वो रेस पे नहीं था, उसने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस चला ही होगा क्योंकि इक्वेशन से वो समझ आ रहा है। तो इक्वेशन में हम पुट करने के बाद प्लस 12 इंटू 0 माइनस 0 क्यूब, तो यह आ जाएगा 40 मीटर। अब जब टाइम जीरो था तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ऑलरेडी उसके पास था, तो हमें पता लगाना है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सो तो एक्स को फाइंड करने के लिए हमें यह करना पड़ेगा 56 किलोमीटर जो पूरा कंप्लीट चला था उससे माइनस करना पड़ेगा जब टी इज इक्वल टू 0 पे उसने ऑलरेडी कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो यह आ जाएगा 16 मीटर। तो 16 मीटर, 16 मीटर इज द राइट आंसर, द ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ पार्टिकल वैरीज विद टाइम टी, ठीक है, हमें इक्वेशन दिया है एक्स इज इक्वल टू, लिख लेते हैं हम ए ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई टू द पावर बीटा टी। वेयर ए बी अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी। अब वेलोसिटी देखो, अब हम वेलोसिटी के बारे में हमें कुछ भी प्रिडिक्ट करना हो तो सबसे पहले एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ भी होगा उसको हम नोटिस करके या फिर उसको स्टडी करके हम वेलोसिटी के बारे में कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है कि एक्सेलरेशन फाइंड करना। तो हमें देखो एक्स के टर्म में दिया है यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के टर्म में दिया है, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे डेल एक्स बाय डेल टी करेंगे तो हमें वेलोसिटी पता चलेगा। सो ये तो कॉन्स्टेंट ही है, ई टू द पावर माइनस अल्फा टी इंटू माइनस अल्फा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, बी ई टू द पावर बीटा टी इंटू बीटा, ठीक है।
ये रहा हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी। अब एक और बार इसे डिफरेंशिएट करेंगे डेल वी बाय डेल टी, तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये आ जाएगा ए ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर बी ई टू द पावर बीटा टी, और ये भी आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अब देखो एक्सेलरेशन, देखो हमें गिवन है कि ए भी एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, ठीक है पॉजिटिव, और अल्फा स्क्वायर भी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, बी भी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, और बीटा स्क्वायर भी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है। तो रही बात ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी और ई रेज टू पावर बीटा टी, अगर मैं इफ टी इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा ए अल्फा स्क्वायर। देखो जैसे ही मैं टी इज इक्वल टू 0 तो ई रेज टू पावर 0 1 आता है, प्लस यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये देखो ये टर्म एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक टी 0 टाइम पे अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो जब टाइम बढ़ेगा, आई एम सॉरी, जब टाइम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है ना, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ती ही जाएगी, ठीक है ना, गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी भी बढ़ती ही जाएगी। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर देखो डी, गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3, ठीक है, तो सबसे पहले बस ने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, टोटल डिस्टेंस इज एस एस मान लेते, उसने बस ने जो पहला 1/3 डिस्टेंस है यानी एस बाय थ्री, 1/3 यानी एस बाय थ्री, टोटल डिस्टेंस यस तो 1/3 होगा एस बाय थ्री, उसकी वेलोसिटी थी यानी वी वन था 10 किलोमीटर पर आवर, फिर नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस यानी एस बाय थ्री उसकी वेलोसिटी थी यानी वी टू था 20 किलोमीटर पर आवर, और जो लास्ट बचा हुआ एस बाय थ्री था यानी 1/3 डिस्टेंस था वहां पे उस बस की वेलोसिटी थी 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें एवरेज स्पीड ऑफ द बस पूछा है, सिंपल फार्मूला लगाना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो द वी एवरेज यानी अब मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा एस टोटल टाइम, यानी देखो टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, ठीक है। अब टी वन क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सो डिस्टेंस है एस बाय थ्री यानी 1/3 और वेलोसिटी वी वन, फिर डिस्टेंस सेम ही रहेगा 1/3, वेलोसिटी वी टू और डिस्टेंस लास्ट में भी 1/3, वेलोसिटी रहेगा वी थ्री, ठीक है। अब देखो यहाँ से सीधा एस एस कट जाएगा कॉमन, हम अगर आप लोगे तो एस कट जाएगा, बचेगा 1/3 इंटू, अब वी वन की वैल्यू है 10 किलोमीटर पर आवर, वी टू इट्स 20 किलोमीटर पर आवर, एंड द वी थ्री इज 60 किलोमीटर पर आवर, 1/3। मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं तो ये आ जाएगा 6 + 3 + 1 / 60, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, 1/3, तो यह आ जाएगा 10/60, 0 से 0 कट जाएगा, 3 भी ऊपर जाएगा और 6 भी ऊपर जाएगा, यह आ जाएगा 18, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। सो द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देखो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन
इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन की बात हो रही है, तो हम सीधा क्या करेंगे, वी एवरेज लेंगे, एवरेज वेलोसिटी। तो शुरू में उसकी वेलोसिटी थी 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 40 किलोमीटर आवर डिवाइड बाय 2, 2 आ जाएगा 60/2, यानी 30 किलोमीटर पर आवर एवरेज वेलोसिटी। और हमें निकालना है डिस्टेंस, सो द डिस्टेंस होगा वी एवरेज इंटू टाइम। तो वी एवरेज हमने निकाला है 30 किलोमीटर पर आवर इंटू 4। ओके, सो यहाँ पे 40 नहीं 60 दिया है, हमने थोड़ी गलती की। सो 63 आ जाएगा 80/2, 40 किलोमीटर पर आवर, फिर यहाँ पे भी 40, तो आ जाएगा 160 किलोमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट से शुरू हो रहे एट द सेम टाइम इन स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजिशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, दो इक्वेशन दिए हैं जो कि पोजिशन डिस्क्राइब कर रहे हैं, एंड व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, AT+BT² एंड इक्वेशन नंबर 2 इज FT-T². अब हमें क्या बताया उन्होंने, देखो व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी, एक टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी सेम हो जाएगी, यानी VP इक्वल्स टू VQ लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी सेम हो जाएगी। अब VP क्या होता है, डेल XP/ΔT यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, उसी तरह सिमिलर डेल XQ/ΔT, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करने के बाद यह आ जाएगा A+2BT और ये आ जाएगा F-2T। अब हम T के टर्म को एक साइड लेके जाएंगे, +2T और जो ये होगा F-C, ठीक है, यहाँ से 2T कॉमन, तो आ जाएगा B+1 इज इक्वल टू F-A। फिर हमें पूछा है टाइम, तो हम टाइम को एक साइड रहने देंगे और हमें ये आंसर मिलेगा 2B+1, ठीक है, टाइम। देखो ऑप्शन में कौन सा आंसर मैच कर रहा है, सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन यानी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू Vx, एक इक्वेशन दिया है, वेयर बीटा एंड एन आर कॉन्स्टेंट्स एंड एक्स इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, एक्स पोजिशन के बारे में बताया, बीटा एंड क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन एज, ठीक है।
हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है पर इन इन द फंक्शन ऑफ एक्स के टर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ। हमें वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स में दिया है बीटा एक्स रेस्ट टू द पावर -2n। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन होता है डेल वी बाय डेल टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। पर हमें क्वेश्चन कुछ ऐसा उन्होंने पूछा है कि एक्सेलरेशन फाइंड आई मीन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज एन फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये तो फंक्शन ऑफ टी है, ठीक है। नीचे देखो टी है, डेल वी बाय डेल टी फंक्शन ऑफ टी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे डेल एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। ऊपर भी डेल एक्स से और नीचे भी डेल एक्स। तो इसे इंटरचेंज करने के बाद डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल टी मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखो डेल एक्स बाय डेल टी होता है वी। सो यहाँ से देखो एक्सेलरेशन को अगर फंक्शन ऑफ एक्स में लिखना हो तो हमें एक फार्मूला मिला है वी इंटू डेल वी बाय डेल एक्स। इस फार्मूला को इक्वेशन को हम यूज करके हम क्या करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे। अब वी तो हमें पता है, ऑलरेडी इक्वेशन दिया है, हमें फाइंड करना है डेल वी बाय डेल एक्स। सो द डेल वी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू इस इक्वेशन को टू नाम देता हूँ, इस इक्वेशन को वन। वन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो, तो बीटा पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है वो बीटा ही रहेगा। ये आ जाएगा -2n एक्स रेस्ट टू द पावर -2n -1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर टू में वैल्यूज को पुट करो। एक्सेलरेशन इज वी की वैल्यू पता है 1, तो हो जाएगा बीटा एक्स रेस्ट टू द पावर -2n। और डेल्यू बाय डेल एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली है बीटा इंटू -2n एक्स रेस टू द पावर -2n -1। सो हो जाएगा -2n बीटा स्क्वेयर एक्स रेस टू द पावर -4n -1। दिस इज द राइट आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, -2n बीटा स्क्वायर एक्स रेस्ट टू द पावर -4n -1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। एक इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन दिया है एक्स इज इक्वल टू 8 + 12t - टी क्यूब, वेयर एक्स इज इन मीटर टी इज इन सेकंड। द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स जीरो। वेलोसिटी जीरो होने के बाद रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सलरेशन होता है बट निगेटिव, नॉट निगेटिव, मोशन के अपोज में जो एक्सलरेशन लग रहा है उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। निगेटिव तो अब देखो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होता है, पर वो रिटार्डेशन थोड़ा ना हुआ, वो मैटर करता है पोजिशन आई मीन मोशन पे। मोशन अगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई भी एक्सलेशन लग रहा हो तो उसे डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें एक्स की एक्स दिया है, इक्वेशन दिया है, तो हम इससे वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी होता है डेल एक्स बाय डेल टी, ये हो जाएगा 12 - 3t². अब हमें यहाँ पे उन्होंने बताया कि वेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो इज, तो वेलोसिटी जीरो होने के बाद इफ वी इक्वल्स टू जीरो तो हम इसे लिख सकते हैं 12 - 3t² = 0। ये रहा वेलोसिटी। यहां से हमें टाइम मिलेगा 2 सेकंड, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होता है, जीरो हो रहा है। अगर हम ये टी की वैल्यू एक्सेलरेशन में डालें तो हमें प्रॉपर यानी एक न्यूमेरिकल एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी।
तो इसी इक्वेशन को, इस वेलोसिटी की इक्वेशन को, यानी इक्वेशन नंबर 2 को मैं फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होता है डेल वी बाय डेल एक्स, आई मीन डेल वी बाय डेल टी, तो ये आ जाएगा -60। ठीक है ना, डिफरेंशिएट करने के बाद, और मुझे टी की वैल्यू गिवन है तो मैं इसे पुट करूंगा तो आ जाएगा -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब माइनस साइन रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ न्यूमेरिकल की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड के बारे में बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अगर आपको -12 ऑप्शन में है तो गो विद -12, पर यहाँ पे नहीं है तो हमें ऐसा अज्यूम करना है कि इन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछी है, रेडिएशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस एक्स इन टाइम टी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, देखो एक इक्वेशन दिया है, एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 5 इनवर्स, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो एक्सेलरेशन निकालने के सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, डेल एक्स बाय डेल टी, ये हो जाएगा -1 इंटू टी प्लस 5 -2, और हम एक्सेलरेशन निकालेंगे डेल वी बाय डेल एक्स, फर्दर इसे डिराइव करेंगे तो ये आ जाएगा +2 टी प्लस 5 -3। तो हमें एक्सेलरेशन को प्रोपोर्शनल बताना है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, सो देखो मैं इसे कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, -2 अगेन इसका पावर 3/2। अगर इंडाइसेस के रूल्स आपको अच्छी तरह से पता है तो इसे सॉल्व करने के बाद यही टर्म मिलेगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, -3। ठीक है, और टी प्लस 5 इन ब्रैकेट टी प्लस 5 -2 को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सलरेशन, अगर +2 -1 ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ अगर मैं इस टर्म की बात करूं जो अभी हमने सॉल्व किया है तो कुछ इस तरह आएगी प्रोपोर्शनलिटी में, और टी प्लस 5 रेस्ट टू द पावर -2 को मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं, ठीक है ना। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज अ एक्सेलरेशन एफ। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन एफ के टर्म में दिया है, नॉट इन ए एट टाइम टी। सो द एक्स, ये जो इक्वेशन है वो एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट एंड टी आर द पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। ठीक है, 1 माइनस टी अपॉन टी। क्वेश्चन ठीक से पढ़ ले हमें क्या पता लगाना है। सो इक्वेशन दिया है, एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, एफ के टर्म में दिया है, एफ नॉट और टी क्या है, कॉन्स्टेंट है। ओके, द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0 हैज 0 वेलोसिटी, टाइम 0 होने पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, यानी टी इज इक्वल टू 0,
इन द टाइम इंटरवल बिकम टी इज इक्वल टू जीरो एंड द इंस्टेंट व्हेन एफ इज इक्वल टू जीरो। टाइम इंटरवल के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया कि टी इज इक्वल टू जीरो से लेके जहां एक्सेलरेशन जीरो होगा वहां का टाइम, ये दो टाइम इंटरवल है, टी इज इक्वल टू जीरो और जहां पे एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वहां पर जो टाइम होगा वो टाइम और जीरो, ये रहा टाइम इंटरवल। तो हमें सबसे पहले ये टाइम दिया है यानी टी इज इक्वल टू जीरो, हमें पता लगाना है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा तब टाइम क्या होगा, तभी हम एक इंटरवल मिलेगा, टाइम का इंटरवल मिलेगा। और फिर हमें पार्टिकल्स वेलोसिटी, टाइम इंटरवल मिलने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि एफ जीरो होने के बाद, यानी एफ को मैं अगर जीरो लिखता हूं तो आ जाएगा एफ नॉट वन माइनस टी अपॉन टी, तो ये आ जाएगा वन माइनस टी अपॉन टी इज इक्वल टू जीरो माइनस टी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पे हमें टी की वैल्यू मिल रहा है कैपिटल टी। ठीक है, यानी टी इज इक्वल टू जीरो से लेके कैपिटल टी तक हमें टाइम इंटरवल मिला है। अभी हमें पता करना है कि वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। पार्टिकल की वेलोसिटी, अब देखो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ देखो एक्सेलरेशन को यानी एफ को, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है यानी इक्वेशन होता है डेल वी बाय डेल टी, यहाँ एक्सेलरेशन एफ दिया है, तो अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन यानी एफ इंटू डी टी। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, लैपटॉप को चार्ज करना पड़ेगा, जस्ट सेकंड, आई एम सॉरी। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके, तुम्हें वेलोसिटी पता है कि वेलोसिटी जब टाइम जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो है, जीरो वेलोसिटी। ये देखो यहाँ पे गिवन है इन टाइम टी इंटरवल बिटवीन टी इज इक्वल टू जीरो द द पार्टिकल एट टी इज इक्वल जीरो हैज अ जीरो वेलोसिटी। सो जीरो से लेके वी तक इसका टाइम इंटरवल होगा। और अभी हमने टाइम इंटरवल के बारे में पता किया है कि जीरो से लेके कैपिटल टी तक जहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। सो बस हमें वैल्यू निकालनी है, तो आ जाएगा वी, एफ की वैल्यूज पुट करो, एफ नॉट वन माइनस टी बाई टी डी टी। एफ नॉट तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा टी माइनस टी स्क्वेयर बाय टू कैपिटल टी और ये आ जाएगा इंटरवल। नाउ आफ्टर सॉल्विंग एफ नॉट आ जाएगा टी माइनस टी स्क्वेयर बाय टू टी। ओके, तो वेलोसिटी इज एफ नॉट, देखो ये एक स्क्वेयर से साथ कट जाएगा, बचेगा टी माइनस टी बाय टू और ये आ जाएगा वन बाय टू टी एफ नॉट वेलोसिटी। अब एक्स एक्सिस में सब इक्वेशन दिया तो ये भी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में ही होगी। ठीक है,
सो द राइट आंसर इज हाफ एफ नॉट पी. द राइट आंसर इज सी. देखो कौन सा इक्वेशन मैच करे, तो सी. क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा सी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द पोजिशन ऑफ एक्स पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय. पोजिशन हमें दिया है एक्स इज इक्वल टू 9t² माइनस t³, वेर एक्स इज इन मीटर एंड टी इन सेकंड. वॉट विल बी द पोजिशन ऑफ दिस पार्टिकल्स वेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. मैक्सिमम स्पीड यानी मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, जब एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो होता है. एक्सलेशन जब जीरो होगा तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी. ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वेलोसिटी डेल एक्स बाय डेल टी, ऐसे में वेलोसिटी मिलेगी ये हो जाए, ये हो जाएगी 18t माइनस 3t² और एक्सलेशन को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद हमें एक्सलेशन मिलेगा, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 60. अब जब एक्सलेशन जीरो होगा तभी हमें वी मैक्स मिलेगा, तो हम यहाँ से पुट करेंगे 18 माइनस 60 इज इक्वल टू जीरो, एक्सलेशन इज इक्वल टू जीरो, माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 18, 6 3 18, टी इज इक्वल टू 3 सेकंड. अब ये वैल्यू टी इज इक्वल टू 3 सेकंड में अब वेलोसिटी में पुट करने के बाद मुझे एग्जैक्ट वेलोसिटी का फिगर मिल जाएगा. सो द वेलोसिटी इज इक्वल टू 18t माइनस 3t² 18 × 3 माइनस 3 × 3² जाएगा 3 × 9. सो 54 माइनस 27 सो वी हैव सम मिस्टेक हियर. तो पोजीशन एक्स ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, विल द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद अचीव मैक्सिमम स्पीड अलोंग दिस डायरेक्शन. So let me know. ये तो हमें क्वेश्चन हमें पूछा है मैक्सिमम स्पीड अलॉन्गेशन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इट्स पार्टिकल. ओके ओके सॉरी. सो हमें पोजीशन के बारे में पता करना है, नॉट द वेलोसिटी. मुझे वेलोसिटी लगा कि हमें वेलोसिटी के बारे में पता है, हमें पता करना है कि पोजीशन क्या होगी. सो
एक्स इज इक्वल टू 9t² माइनस t³। यहाँ पे हमें टाइम की वैल्यू पुट करनी है पोजीशन में, हमें पोजीशन पता है, हमें पता करना है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल्स व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड अचीव करने के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, जो आ जाएगा 9 × 9 माइनस 27। 81 माइनस 27 54 मीटर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जब होगी पार्टिकल की तब 24 मीटर उसने डिस्टेंस अचीव किया होगा। ठीक है, सो द ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यस एग्जैक्टली। सो क्वेश्चन नंबर 60, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सलेशन, कांस्टेंट एक्सलेशन, द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टाइम, रेशियो ऑफ स्पेस एवरेज वेलोसिटी एंड द टाइम एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो स्पेस एवरेज वेलोसिटी क्या होता है और टाइम एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। स्पेस एवरेज वेलोसिटी होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, और टाइम एवरेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो वी वेरी वेल नो, हमें एक फार्मूला पता है, अगर वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2as, ठीक है, ये फार्मूला पता है। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी v इज इक्वल यू इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा v स्क्वेयर 2as एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। सो यहां से मैं v को लिख सकता हूँ अंडर रूट 2as। ठीक है, अब ये देखो ये रहा वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस यानी s के टर्म में। अगर मुझे यहां से वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी स्पेस एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा v डेल s अपॉन डेल s। ठीक है, क्योंकि स्पेस एवरेज वेलोसिटी पूछा है, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यूज करके मैं वेलोसिटी को इस सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा तो आ जाएगा देखो अंडर रूट 2a तो कांस्टेंट है, एस रेस्ट टू पावर 1/2 लिख सकता हूं और ये आ जाएगा डेल एस। इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा अंडर रूट 2a, ये आ जाएगा एस रेस्ट टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू एस। ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है, सिंपली अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आना चाहिए। यहाँ से स्पेस एवरेज वेलोसिटी आएगा 2/3 अंडर रूट 2a और ये बचेगा s रेस्ट टू पावर 1/2 आफ्टर सॉल्विंग दिस। सो वी गेट 2/3 अंडर 2as, देयरफॉर द स्पेस एवरेज वेलोसिटी इज 2/3 v। दिस इज द इक्वेशन ए। नाउ व्हाट इज टाइम एवरेज वेलोसिटी, तो टाइम एवरेज वेलोसिटी देखो हमें एक और एक इक्वेशन पता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी इन टर्म्स ऑफ टाइम। अभी हम टाइम के टर्म में वेलोसिटी को लिखते हैं, अभी हमने क्या किया s के टर्म में यानी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में वेलोसिटी को लिखा। अब u इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो ये आ जाएगा
वी इज इक्वल टू ए टी। इस वेलोसिटी को यूज करके हम क्या करेंगे, टाइम एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में इस इक्वेशन को पुट करेंगे, यानी वी इन टर्म ऑफ टी डेल टी। ठीक है, सो द टाइम एवरेज वेलोसिटी इज, पुट द वैल्यू ऑफ वी, सो द ए टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। सो एक्सेलरेशन तो कॉमन है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन को कॉन्स्टेंट लिखेंगे, ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाय टू, और नीचे आएगा टी, टी एक टी से एक टी कट जाएगा तो ऊपर बचेगा सिर्फ टी, तो ए टी बाय टू, ए टी को मैं ले सकता हूँ वी, तो यह आ जाएगा वी बाय टू। अभी हमें स्पेस एवरेज वेलोसिटी भी पता है ए, और टाइम एवरेज वेलोसिटी भी पता है बी। अब हम क्या करेंगे, हमें पता करना है रेशियो, द रेशियो ऑफ स्पेस एवरेज वेलोसिटी एंड द टाइम एवरेज वेलोसिटी। सो द वी एस अपॉन वी टी, सो द वैल्यू ऑफ वी ए इज इक्वल टू 2v by 3 upon vt is v by 2. फिर से लिख सकता हूँ 2v by 3 into 2 by v. v से v कट जाएगा, 2 to the 4 by 3 is the right answer. तो the right option is C, 4 by 3. Next question. 70. If a car at rest accelerates uniformly to the speed of 144 km per hour in 20 seconds, it covers a distance is. तो देखो, at rest uniform acceleration है, तो v average का हम formula लगा सकते हैं, v1 plus v2 by 2, so यह आ जाएगा 0 plus 144 by 2 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, और हमें डिस्टेंस चाहिए, तो यह आ जाएगा वी एवरेज इनटू टी, सो द वी एवरेज इज 144 इनटू 2 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया है हमें सेकंड। तो देखो, सबसे पहले हमें थोड़ा सा कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसे मैं कन्वर्ट करूं, किलोमीटर पर आवर है, तो इसे मैं अगर कन्वर्ट करूं तो आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 2 1000 मीटर, 16 इंटू 16 आएगा सेकंड। सो जीरो से जीरो कट जाएगा, टू थ्री जार सिक्स, टू फाइव जार टेन, तो आ जाएगा 144 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 हुआ 18। आप सीधे से वैल्यू भी ऐड कर सकते हो, पर फिर भी मैंने अच्छी तरह से सॉल्व किया, तो आ जाएगा 2 1 2, यह आ जाएगा 72, इसी 5/18, इसे ऐसे वैल्यू रखते हैं हम, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने में अच्छा हो जाएगा। सो पुट करने के बाद टाइम आए 20 सेकंड। जाएगा 2 9 80, नाइन 1 9
9 8 सा 72, 8 5 जा 14 इंटू 10, सो आ जाएगा 400 मीटर। ठीक है, इजी कैलकुलेशन है। सो द राइट ऑप्शन इज डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 400 मीटर। ठीक है, अगर आप थोड़ा ट्रिक यूज करो तो यही से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ का सीधा सीधा 72 आ जाएगा, फिर किलोमीटर पर आवर को आपको याद ही आपका याद ही होता है कि 5/18 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, फिर वैल्यू पुट करो और सीधे सीधे आंसर निकालो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंगली लीनियरली विथ टाइम टी एस बी टी। ठीक है, सो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है यहाँ पे बी टी, एंड द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद द इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितने है, वी नॉट है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम टी विल बी, टाइम टी विल बी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन टाइम टी विल बी। हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हमें एक्सेलरेशन का एक फार्मूला पता है, डेल वी बाय डेल टी होता है। एक्सेलरेशन हमें गिवन है यहाँ पे बी टी। ठीक है, तो क्या है, बी टी इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल टी। अब हमें इस इक्वेशन को, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो हमें अगर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके वेलोसिटी को, एक्सेलेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी मिलेगा, फिर वेलोसिटी को फिर से इंटीग्रेट करने के बाद एक्सेलेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल वी इज इक्वल टू बीटा टी इंटू डेल टी, इंटीग्रेट बोथ साइड। इनिशियल वेलोसिटी थी वी नॉट, क्वेश्चन में गिवन है, और फाइनल वेलोसिटी वी, टाइम इंटरवल भी हमें गिवन है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद इनिशियल टाइम नियरली टाइम टी, तो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन यानी टी इज इक्वल टू 0 होगा और टी तक जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा वी माइनस वी नॉट इक्वल्स टू, बी तो कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 0 टी टाइम इंटरवल। तो यहाँ से वैल्यू हमें पता चलती है वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब अगेन हमें क्या करना है, अगर हमें डिस्टेंस चाहिए सो हमें पता है कि डेल वी बाय, यानी हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं डेल एक्स बाय डेल टी, और अगर हम अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो हमें इसे फिर से इंटीग्रेट करना होगा तो हमें डिस्टेंस मिलेगा। अब डिस्टेंस इनिशियल था 0, ठीक है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट 0 से स्टार्ट हुआ है तो डिस्टेंस तो 0 होगा और फाइनल में आ जाएगा एक्स। और सिमिलरली वेलोसिटी इनिशियल थी वी नॉट और फाइनल है वी। ओके, सब मिस्टेक्स, टाइम को 0 को टी के साथ डिफरेंट इंटीग्रेट करना होगा, नॉट वी नॉट, मैं उसे वेलोसिटी समझ बैठा। ओके, सो द इट्स एक्स, तो वी की वैल्यू हमें पता है, अभी हमने निकाली है वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेट डी टी। सो वी नॉट इस कॉन्स्टेंट टर्म, इनिशियल वेलोसिटी है तो वो भी एक कॉन्स्टेंट टर्म होगी, तो आ जाएगा वी नॉट इंटू टी प्लस बी, ये आ जाएगा
टी क्यूब बाय 3 × 2। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा वी नॉट टी प्लस बी टी क्यूब बाय 6। तो राइट ऑप्शन इज, चेक करो कौन सा ऑप्शन सही होगा, वी नॉट टी प्लस बी टी क्यूब बाय 6, वी नॉट टी प्लस 1/6 बी टी क्यूब, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम अ रेस्ट एट अ कॉन्स्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेटेड एट अ कॉन्स्टेंट रेट बीटा एंड कम टू रेस्ट। इफ टोटल टाइम इज टी इलेप्स इज टी, देन मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार विल, मैक्सिमम वेलोसिटी हमें पता करनी है। तो देखो सबसे पहले कि पार्टिकल क्या कर रहा है, यानी कार क्या कर रहा है, उसका कुछ एक्सीलरेशन है फ्रॉम रेस्ट एट अ कॉन्स्टेंट रेट अल्फा फॉर अ सम टाइम आफ्टर विच इट डेएक्सीलरेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, कुछ समय तक इसका एक्सेलरेशन अल्फा रहा है, यहां से उसका एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन बीटा रहा है, एक्सेलरेशन कम होता गया है। और फाइनल वेलोसिटी भी जीरो। ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस इसने T1 टाइम में कंप्लीट किया होगा, उसकी वेलोसिटी V1 रही होगी, T1 टाइम में कंप्लीट किया है, और ये भी डिस्टेंस T2 टाइम में कंप्लीट किया है। अब जहां पे एक्सेलरेशन बढ़, जो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा था वो जीरो होने के बाद रिटार्डेशन शुरू हुआ है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ठीक है, हमें पता है कि जहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है और फिर रिटार्डेशन चालू हो जाएगा, उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और वहां से वेलोसिटी फिर डिक्रीज करना शुरू कर देगी। ठीक है, क्योंकि रिटार्डेशन लग रहा है बीटा, जो कि रिटार्डेशन है यानी डीएक्सेलेरेशन। डीएक्सेलेरेशन को रिटार्डेशन कह सकते हैं, मोशन के अगेंस्ट में लगने वाला एक्सेलेरेशन है रिटार्डेशन होता है, और उसे हम डीएक्सेलेरेशन भी कहते हैं। ठीक है, सो देखो हम एक काइनेमेटिक्स इक्वेशन में एक फार्मूला बताए, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक, तो अब हम इस इंटरवल में यहां तक इस फार्मूला को अप्लाई करें तो हमें वी मैक्स मिलेगा, इनिशियल तो जीरो है और एक्सेलरेशन रहा अल्फा टी। सिमिलर फार्मूला हम यहां से यहां तक भी यूज करेंगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो यहां पे हमें वी मैक्स, तो ये वी मैक्स तो इनिशियल हुआ और फाइनल जीरो, तो यह आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू वी मैक्स माइनस बीटा टी। माइनस बीटा टी क्यों, क्योंकि ऐसे डी एक्सलेशन, सो माइनस स्टैंड फॉर डी एक्सलेशन, तो यह आ जाएगा माइनस वी मैक्स इक्वल्स टू माइनस बीटा टी, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यह आ जाएगा वी मैक्स इज इक्वल टू बीटा टी टू, यहाँ पे टी वन, ये टी वन टाइम है और ये टी टू टाइम है। ठीक है, अब मैं यहां से टी वन की वैल्यू लिख सकता हूँ वी मैक्स अपॉन अल्फा, और यहां से टी टू की वैल्यू लिख सकता हूँ वी मैक्स अपॉन बीटा। हुआ है कि पूरा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किसी कैपिटल टी टाइम में ट्रेवल किया है, जिसका डिस्टेंस होगा कुछ एस। ठीक है, कुछ एस इसका डिस्टेंस होगा और पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया है टी टाइम में, तो मैं कंप्लीट टाइम को लिख सकता हूँ टी वन प्लस टी टू। सही बात है, यहाँ से यहाँ तक टी वन और फिर टी टू, और कंप्लीट को टी लिख सकता हूँ। अब मुझे टी वन की वैल्यू पता है,
वी मैक्स अपॉन अल्फा, और टी टू की वैल्यू पता है वी मैक्स अपॉन बीटा। वी मैक्स को मैं कॉमन लूंगा तो इनका एलसीएम लूंगा तो यह जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा और ये रहा टाइम। यहाँ से मैं वी मैक्स की वैल्यू अगर पता करूँ तो ये यहाँ से इधर इन्वर्स हो जाएगा तो यह जाएगा अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टाइम, ठीक है। और यहाँ पे मैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इस पूरे मोशन का कैपिटल टी टाइम लिया है, तो इस इक्वेशन में इन्होंने टोटल टाइम स्मॉल टी लिया है, तो हम क्या करेंगे इसी को स्मॉल टी कंसिडर करेंगे। एक काम करते इसे यही फॉर्मूला रहने देते, इफ इज इक्वल टू टी देन वी मैक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज डी। सो क्वेश्चन नंबर 20 द लास्ट क्वेश्चन। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द फोर्थ एंड थर्ड सेकंड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको ये बात तो पता ही है कि डिस्टेंस, अब अगर एक यूनिफॉर्म एक्सलरेशन होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग द फोर्थ एंड थर्ड सेकंड। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है तो बॉडी मोशन करते समय टाइम इंटरवल में एक रेशियो फॉर्म करता है, रेशियो फॉर्म करती है, ठीक है। यानी पहले कुछ T1 टाइम में वो x डिस्टेंस चलेगा, फिर T2 टाइम में 3x, फिर T3 टाइम में 4x, फिर T4 टाइम में नॉट 4x 5x और फिर 7x, ऐसे ही चलता रहेगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब हमें पूछा है फोर्थ और थर्ड सेकंड में, तो यह रहेगा फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड और फोर्थ सेकंड। हमें रेशियो चाहिए फोर्थ सेकंड का थर्ड सेकंड के साथ, तो ये जाएगा 7x अपॉन 5x, x x कट जाएगा 7/5 और वी कैन सी दैट 7 इज़ टू 5, दिस इज द राइट आंसर। सो द ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। सो नाउ 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इस चैप्टर में 55 क्वेश्चन है, 55-54 के आसपास क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे और हो सके तो कंप्लीट चैप्टर करेंगे, फिर थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। तो आई होप आपको सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ गए होंगे, अच्छी तरह सॉल्व करने आपने किए होंगे। अगर आपने प्रॉपर स्टडी किया है तो आपको सब कुछ समझ आएगा, अगर आपने अच्छी तरह स्टडी नहीं किया है तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल देखने से फायदा नहीं है। ओके सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।